अब एवरग्रीन इंडस्ट्रीज बैटरी बनाती है और वो टॉर्च बनाती है और अलग अलग इनके बिजनेसेस हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एवरग्रीन इंडस्ट्रीज़ के जो पुराने प्रमोटर थे खेतान फैमिली, तो यहाँ तक खेतान फैमिली की हालत ख़राब हो गई जून 2022 तक आते आते। शायद पहले शेयर किया था मैंने, तो ये कर्जे ले लेके प्लेच कर करके इनका जो स्टॉक था ये इनके हाथ से छूट गया, क्योंकि जिसने कर्जा दिया था ये पैसे नहीं चुका पाते थे, तो वो स्टॉक बाजार में बेच के अपने पैसे खड़े कर लेता था। बैटरी कम होगी इसकी, हाँ इसका बच्ची बैटरी खराब ठीक है। तो इसका माल बिक जाता था। अगर मैं यहाँ तक पब्लिक में देखता हूँ तो यहाँ पर सारे वो फंड और वो सारे थे पहले, मतलब ये तो क्वार्टरली है, ईयरली देखेंगे तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनके नाम आते थे, पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहे। तो कि वो ICICI बैंक और ये बैंक और वो बैंक और जो भी बैंक्स थे, बैंकों ने क्या करा कि इनकी इक्विटी को कैप्चर कर लिया कि अपने पास मॉर्गेज थी, पैसा थी, ख़त्म हो गया। अब इसमें अचानक क्या हुआ कि 2020 में ये MB फिनमार्ट, पूरन एसोसिएट्स और VLC, ये अचानक से नए नाम आ गए जिनका कोई औचित्य नहीं था, कोई इनके बारे में जानता नहीं था। अचानक क्या हुआ कि ये बड़ी अच्छी ऐप है स्टॉकेज, जिसको सिर्फ मैं डील देखने के लिए यूज़ करता हूँ, बाकी कोई काम के लिए यूज़ नहीं करता, क्योंकि तो इसका लुक एंड फील थोड़ा अच्छा लगता है। एवरीडी के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर डील्स आती हैं और यहाँ पर एक ब्लॉक हुआ VLC, पुरान एंड MB फिनमार्ट। ILFS इसका क्राइसिस हुआ था। ILFS ने क्या करा कि ILFS के पास 51,48,506 शेयर थे एवरीडी के, तो इन्होंने 14 जुलाई 2020 को कोविड में बिल्कुल पैनिक में 81 रुपीज़ 85 पैसे में 51,48,000 शेयर खरीदी, बेच दिए VLC ने 19,63 लिए, पूरन ने 19,63 लिए और MB फिनमार्ट ने 12,22,000 लिए। ये 19,63,006 ही क्यों? दोनों भाई भाई हैं क्या? किसको पता? 19,63 लेता या 20 लाख लेता या 19,6 ही क्यों? डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो एग्जैक्टली तो इसका मतलब ऑर्डर एक ही टर्मिनल से डाला। अब आप इन तीनों को ऐड कर लोगे तो मोटा मोटा आपका 48-50 का लैक्स के आसपास का शेयर आ जाएगा। 50 लाख शेयर कौन ले रहा है यार, वो भी 80 रुपये का 50 लाख शेयर। पचास लाख शेयर कौन ले रहा है यार, मार्केट नीचे। हाँ कोविड में साला हम तो मॉरिटोरियम ले रहे हैं कि बैंक का ब्याज ही चुका रहे हैं, ये 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं, कौन है ये? ये पीकी हो गई वो चाय कोई पीकी, चलो कोई जो आ गया वही ब्रेकआउट है। तो अब जोबा की आप बात कर रहे थे, तो जोबा कॉप में पहली बार नाम फिर देख लेते हैं, VLC एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। सो VLC एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, VLC एंटर का प्राइस VIC क्या? नहीं LC होगा यार, IC सॉरी VIC एंटर अरे छोड़ो यार, हम कौन से पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे ना। अरे हम यहाँ से कॉपी करेंगे ना, हम क्यों लिखने का जहमत उठाएंगे, हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वहाँ जाके पेस्ट मारेंगे, मिल जाएगा अपने आप। खैर अभी भी नहीं आ रहा, हो सकता है छोटा बट नहीं, डिजॉल्व क्यों करेगा? अरे ऐसा नहीं,
इट विल कम, विल कम, और भी साइड्स हैं. सो व्हेन यू सी वीआईसी और अरे इसमें आ जाएगा, बात एक ही है. ये मोहित बर्मन, ये रैली गियर वाला, ये आ गया जी आपका वीआईसी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड. हाँ गैप है, चार्ट में भी गैप होता है. अब ये कंपनी 44 साल पुरानी है, आज 2024 है, तो उस समय में कंपनी 40 साल पुरानी थी. ये तो बड़ा आदमी भाई कोई, और 10 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है और 3,10,00,000 शेयर दे रखे हैं. ये तो बाबू कोई बड़ा आदमी है. वीआईसी के में ये डायरेक्टर है, सबके नाम बर्मन बर्मन बर्मन, विवेक चंद बर्मन, मोहित बर्मन एंड आनंद चंद बर्मन. मोहित बर्मन इज द एमडी ऑफ डाबर इंडिया, और उसी तरीके से ये वीआईसी के बाद, और ये इसने रैलीगढ़ में भी अभी स्टॉक उठाया वीआईसी ने, रैलीगढ़ भी यही ओवरटेक कर रहे हैं अभी. तो मोहित बर्मन वीआईसी में भी डायरेक्टर है, पूरन एसोसिएट में भी डायरेक्टर है, और एमबी फिनमार्ट में भी डायरेक्टर है. तीनों कंपनियां मोहित बर्मन की हैं. अभी डाबर वाले के लिए 40 करोड़ क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा, वो छीकेगा तो 50 करोड़ से निकलेंगे. सो एट द स्टॉक प्राइस ऑफ व्हाट, हाँ करेक्ट, लेट्स टेक इट अ वीकली, मंथली तो बहुत बड़ा बात है, सॉरी मंथली ले लेते हैं, लेट्स टेक इट मंथली. एटी यहाँ गई, यहाँ गई. चलो दुनिया का कोई टेक्निकल आपको यहाँ बाय करने के लिए बोलेगा, चाहे मार्क अंकल हो या उनके चाचा जी हो या फूफा जी हो, कोई नहीं बोलेगा. ऐसा के लोग बोल देंगे ब्रेकआउट था, कंसेंसस का स्टेज को शुरू हो गया, सब बोल देंगे क्या ना, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा नहीं हुआ. अब हुआ क्या है कि व्हेन दिस गाइस वेंट एंड बॉट दिस कंपनी, वहाँ पीछे रहते खिड़की में, दिस वाज मार्च ऑफ 20 के क्वार्टर में इनका रिपोर्टिंग आ गया. नाउ यू ऐड 2.97, 2.53 एंड 2.25. मोटा मोटा 8 मान लो, मोटा मोटा अगले क्वार्टर में ये होल्डिंग्स बढ़ जाती हैं. मार्च 2021 और भी हैं ऐसे नाम जो आपकी निगाह में नहीं है, जो इसी के मुखौटे हैं. तो ये दिखा रहे मार्च 22 के बाद मार्च 23 में की होल्डिंग बेच दी है या प्रमोटर में नाम मुखौटे कर दिए गए? ये प्रमोटर हो गया एमबी फिनमार्ट पूरन वीएलसी. इन्होंने अपनी होल्डिंग 20% के नीचे रखी कि 2 साल तक हम मार्केट को स्टडी करेंगे, अगर हमारे को समझ में आएगा तो हम धंधा उठाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं उठाएंगे. और जितना पैसा इसने उस टाइम में लगाया, और फिर आया ओपन ऑफर, कब आया 320 रुपये में, 80 रुपये से 320 की स्टोरी ख़त्म हो चुकी. ओपन ऑफर आने के बाद आप देखना स्टार्ट करोगे, और उसके बाद ये स्टेज 3 चल रहा है या जो भी चल रहा है पता नहीं. इनको नहीं पता था कि जो पुराने खेतान फैमिली है उसने प्राइस रिगिंग किया था पुराना, वो केस खुल गया, अब इनके ऊपर आ गया, अब ये प्रमोटर है. इन्होंने कुल 1,000 करोड़ पे लगाया हुआ इसमें. इन्होंने जिंक और लेड की प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए 2014-15 में, अगर आप पुराने अखबार निकाल के पढ़ोगे रद्दी में से, तो आपको ये पता चलेगा कि अंशुमन खेतान या कौन सा खेतान था जिसने इस जिंक एंड लेड की प्राइस को इंडिया में MCX में वहाँ काम मैनिपुलेट करने के लिए फ्रॉड किया था कुछ.
वो केस अब खुल के आ गया क्योंकि खेतान तो डब्बा गोल हो गया, वो तो भाग गया, डाबर तो पैसे वाला है, तो सरकार को भी पैसे वाला चाहिए ना, इसको काटो, गुआ मटा गई, लो भैया केस चल रहा है जिसमें डाबर पार्टी है, डाबर क्या जिसमें ये एवरेडी पार्टी है, डाबर इज इन्वेस्टेड 1000 करोड़, 1000 करोड़, डाबर का मार्केट कैप 1 लाख करोड़, 1% ऊपर नीचे 1000 करोड़ निकला है, उसके लिए क्या है 1000 करोड़, क्या है उसके लिए 1000 करोड़, तो ऐसे निकाल सकता है जेब से डाबर। तो दुनिया कह रही थी कि एवरेडी बैटरी हो जाएगी डाबर बैटरी, ये डिस्कशन बोलेंगे नहीं एवरेडी का ब्रांड क्यों खराब करूँगा, एवरेडी इज अ वेल नोन ब्रांड, व्हाई विल आई मेक इट अ डाबर बैटरी। इट्स अ वेल नोन ब्रांड। तो आप बोलते हो कि ओपन ऑफर आया और मेरे को स्टॉक लेना चाहिए, ओपन ऑफर आया 320 पे, कहाँ चला स्टॉक? और ये बात कर रहा हूँ मैं अगस्त 2021 से, 1.5 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल तक बैठे रहोगे, पेशेंस लूज कर दोगे, अभी मेरे को ये मिला 160 पे, 140 पे, एंड आई सोल्ड समवेयर अराउंड हियर, समवेयर अराउंड दिस प्लेस 330-340 के आसपास कहीं, कि यार तो बोर हो गया यार इसमें तो। बट नाउ द प्रमोटर सेज आई एम हैविंग द लार्जेस्ट मार्केट शेयर, एवरेडी बैटरी इज अ ब्रांड, लेकिन ड्यूरासेल महंगा बिकता है, बट स्टिल इज ही एबल टू डू समथिंग विद इट मार्केट शेयर, बिकॉज बैटरीज का डिवीजन एंड स्पॉटलाइट का जो डिवीजन है, जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा है, पर क्या ये कुछ कर पा रहा है? सो ओनली लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी साइज इज नॉट सफिशिएंट। और अभी भी जो इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स खराब आए हैं, नंबर खराब क्यों आए हैं उसका रीज़न क्या है कि इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, मार्जिन इनका 8% रह गया जो पहले 60% था, और पहले 0.36% रह गया था, और डाबर ने क्या करा जब ये कंपनी को ओवरटेक किया तो 2021 के क्वार्टर में आके 600 करोड़ का राइट ऑफ कर दिया, पुराने लेखा जो के पुराने झमेले जो खेतान फैमिली ने फज कर रखे थे, वो क्या रहा है जिंक रॉ मटेरियल है, जिंक का प्राइस बढ़ता है दिक्कत आ जाती है, जिंक का प्राइस गिरता है अच्छा होता है। तो हम जो आउटसाइडर हैं, जो इनसाइडर नहीं है, हम लोग कब तक जाके इसको ट्रैक करेंगे? एक क्वार्टर में आगे पीछे हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? पर इन्होंने 2 साल मार्केट स्टडी किया तो इन्होंने कुछ तो स्टडी किया होगा, और इनके पास जितना नेटवर्क और जितने एनालिस्ट लोग बैठे हैं हमारे पास थोड़ी है, दैट इज़ वाई इन्वेस्टेड 1000 करोड़, बिकॉज डाबर इज अ मैच्योर बिजनेस नॉट गेटिंग बिग सो फास्ट वर्सेज दी स्मॉल बिजनेस, एंड नाउ इज इन्वेस्टिंग इन बेलीगेर। तो आज नहीं, 2 साल तो हो गए, हो सकता है 27-28 के बाद कुछ अच्छा हो जाए। नहीं जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, वो आप बेस्ट हो में सीखना सर, जरूरी नहीं। सो दिस वॉज सिर्फ ओपन ऑफर पड़ गए मत जाओ, फंस जाओ जब तक उसको, जब तक उसको पूरा समझोगे नहीं, और ओपन ऑफर आने के पहले भी दुनिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, जैसे नीरज जी पंकज जी को समझ में आती है ना, आने लग गए तो वो अपना पैसा कमा रहे। सो दे आर कंसल्टेंट्स एंड दे आर गिविंग एडवाइस फॉर फूड एंड डाइट कंसल्टेंट्स हैं, लावेश भी कलीग ही है, एंड दे आर मेकिंग अराउंड 2-3 लाख रुपीज़ अ डे,
दोनों ने कंसल्टेंसी छोड़ दी अपनी। टू थ्री लाख रुपीज़ अ डे बंद करो, ऐसी मजदूरी करने बंद करो सर। हम अपने बताए सर, मैं भी मजदूर हूँ सर, मैं भी मजदूर हूँ सर। नहीं हम तो सही में सो दिस इज एवर रेडी। फिर हुआ क्या, एक स्टोरी है, मैं आपको सिर्फ अलग अलग एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, अभी केस स्टडीज दिखा रहा हूँ। DHL ना, हाउ DHL इज कनेक्टेड। अब ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं इनकी सारी रिपोर्टें चाट चुका हूँ, और मेरी एक आदत है बैच 4 के लोगों को पता होगा कि जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो 10 साल 20 साल पुरानी क्यों ना हो, मैं उसको भी जाके खंगालूँगा उसमें इन्वेस्ट करने के सोचने से पहले। इसके पास एक डिवीजन था होम टेक्सटाइल, जो पैसा नहीं कमाता था वो, और इंडोकाउंट इंडिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल डिवीजन है, इसने इंडोकाउंट को भेज दिया वो, भैया तू ले जा, और उससे पैसा ले लिया, इसने उसको बेच के उससे पैसा उठा लिया। तेरह सौ चौदह सौ करोड़ की डेब्ट आज 200 करोड़ की रह चुकी है, चुका दी वो सब बाद में। धंधा क्या है? ये बनाता है सोडा ऐश, इट इज अ केमिकल। उसका रॉ मेटेरियल क्या है? नमक, सॉल्ट, कहाँ मिलता है? मोदी जी की गुजरात, राइट, मोदी जी की गुजरात में। तो इनका प्लान गुजरात में, इनके पास कैप्टिव सॉल्ट डिपॉजिट्स हैं जो अपने खुद के यूज़ करते हैं, खुद के यूज़ करते हैं, इनको बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉल्ट को ये यूज़ करते हैं और सोडा ऐश बनाते हैं। अब हुआ क्या है कि होम टेक्सटाइल में पैसा नहीं कमा रहे थे, टेक्सटाइल में छोटा मोटा पैसा कमाते हैं, तो टेक्सटाइल में इन्होंने बाहर फेंक दिया कि नॉट दिस इज़ अ ओनली कंपनी ऑफ केमिकल्स, होम टेक्सटाइल बेच दिया, वो पैसे से डेब्ट चुका दी, टेक्सटाइल को बाहर निकाल दिया, जो उसके बैलेंस शीट के जो भी एसेट्स वेसेट्स सब बाहर चले गए। अब बचा केमिकल्स। एक होता है डी बॉटल नेकिंग कैपिक्स। डी बॉटल नेकिंग कैपिक्स का मतलब होता है कि मेरे पास जो भी प्लांट एंड मशीनरी है उसके अंदर कोई नए पुर्जा लगा के या नए टेक्नोलॉजी की मशीन लगा के मैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दूँ। जो इनकी कैपेसिटी है 1 मिलियन टन, कितना होता है 1 मिलियन? 10 लाख टन। इनकी कैपेसिटी है 10 लाख टन। अब इन्होंने डी बॉटल नेकिंग करके उस कैपेसिटी को ले गया 11 लाख टन, यानी कि 10% का इजाफा बिना खर्चा करे। तो 10 लाख टन पे अगर मैं 100 करोड़ कमाता हूँ तो 11 लाख टन पे मैं मान सकते हैं कि 110 करोड़ कमाऊँगा। लेकिन जब मेरा डिनोमिनेटर है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो नहीं बढ़ा, वो सेम है। सो PBT प्लस इंटरेस्ट, योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। तो डिनोमिनेटर नहीं बढ़ा, न्यूमरेटर बढ़ गया, तो मेरी ROCE बढ़ेगी। कितना अच्छा बोलते हो आप, ROCE बढ़ी क्या है? लेकिन जब ये डीमर्जर और ये सब चीज़ें कर दी, पर क्या सस्टेन करेगी? सवाल है बहुत बड़ा। लेकिन जब धंधा इतना अच्छा है, प्रमोटर ने मतलब ऐसे एसेट्स जो उसके कोर धंधे के नहीं है उसको अलग कर दिया, तो वाई द प्रमोटर होल्डिंग इज ओनली 19%। रिस्की विस्की तो इसने होम टेक्सटाइल बेच के तो कर जा चुका है, बायबैक कहाँ करा? हाँ ये तो मतलब कर सकता है, पर ये तो कैपेक्स कर रहा है, और कैपेक्स कर रहा है 0.5 मिलियन टन का, जो कैपेक्स हो, जो कैपेक्स होगा 3500 करोड़ का। और जब मुझे ये कंपनी मिली थी इसकी मार्केट कैप 3000 करोड़ थी, 3000 करोड़ की मार्केट कैप में मैं 3500 करोड़ का तो कैपेक्स कर रहा हूँ।
लेकिन कंपनी की मार्केट कैप 3000 करोड़ नहीं थी ना, क्योंकि उसके साथ टेक्सटाइल होम टेक्सटाइल जुड़ा हुआ था। जब अलग तो अब हुआ, अलग होने से पहले ही उसकी कम थी ओवरऑल। अलग होने से पहले क्या मुझे नंबर समझ में आते कि मैं उसको अपने हिसाब से अलग कर सकता हूँ? मैंने तो देखा, मैं तो लिया। मुझे ट्रांसफर हो गया 5 किलो सोने का। बड़ा स्टॉक प्राइस गिरा, बड़ा ये पहले ऊपर गया था पर आज गिरा पड़ा। कॉस्ट बढ़ गया है या चाइना से मंगाना शुरू हो गया? चाइना से डंपिंग होनी शुरू हो गई, इसलिए सोडा ऐश की प्राइसेस गिर गई हैं। नाउ स्टार्ट कनेक्टिंग वेयर इज सोडा ऐश यूज्ड? नॉट वरी, सोलर ग्लास, पूरा बोलो सोलर ग्लास। इसकी कॉस्टिंग गिर गई है तो किसको इनडायरेक्ट फायदा जाएगा? जो सोलर पैनल्स वगैरह की पैनल नहीं ग्लास, बोरोसिल। तो आपको फिर ताजुब होगा कि बोरोसिल रिन्यूएबल का स्टॉक प्राइस 400 का 600 हो चुका है सर। अरे वो मारो गोली नीचे आ गया, वो दोनों इनवर्स रिलेशन में। और GHCL बोल रहा है मैं 10 लाख टन से 11 लाख टन से 12 लाख टन हो गया और 5 लाख टन का ग्रीन फील्ड कैपेक्स कर रहा हूँ, यानी कि नई जमीन नया प्लांट सब कुछ नया। तो 12 और 5 17, तो इतना क्यों बढ़ा रहा है यार कि सोलर ग्लास की जरूरत है? तो क्या मुझे केमिकल कंपनी पढ़ के समझ आता है कि सोलर ग्लास की जरूरत है? हाँ समझ आता है। तो बोरोसिल ने जब प्राइस बढ़ा तो उसका फ़ायदा उठा लिया, जब इसने 400 का 600 किया, 600 पे लाके बोलता चलो प्रेफरेंशियल में आ जाओ शेयर होल्डर्स, लोग फिर पागल। आया हुआ एग्जैक्ट प्राइस तो मेरे को मुझे नहीं याद नहीं आया हुआ, मैं इसको आप ट्रैक नहीं करता, पहले ट्रैक करता था। ये बोरोसिल की स्टोरी क्या है कि ही हैड अ प्लांट ऑफ 225 टन्स पर एनम TPA और एक दूसरा प्लांट था 220 टन का, कुल मिला के 450 टन। चाइना में जो सबसे छोटी फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी 20,000 टन और इंडिया में जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी 450 टन। सबसे छोटी तो इन्होंने क्या करा है कि हम कैपेक्स करेंगे। अब बोरोसिल के बहुत सारे धंधे हैं, वो बर्तन भी बनाते हैं, माइक्रोवेव के बर्तन भी बनाते हैं, ग्लास भी बनाते हैं, बॉटल भी बनाते हैं, ग्लास वो सोलर ग्लास भी बनाते हैं। तो इन्होंने सारे धंधे अपने अलग अलग कर दिए। तो गुजरात बोरोसिल होता था, गुजरात बोरोसिल, बोरोसिल रिन्यूएबल निकल गया, बोरोसिल लिमिटेड निकल गया, सब निकल गया, अलग अलग हो गया। अभी बोरोसिल लिमिटेड भी अलग अलग हो गया, लैब वेयर डिवीजन एंड कंज्यूमर वेयर डिवीजन, जिसका नोट मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, आप पढ़ना उसको। सो बोरोसिल रिन्यूअल में क्या हुआ, द स्टॉक प्राइस वेंट टू 10 रुपीज। देखो टेक्नो फंडा, द स्टॉक प्राइस वॉज 35 रुपीज। एंड इट वेंट टू 850 रुपीज़ और यहाँ पर इसकी कैपेसिटी थी 450 टन की। और ये कह रहा था कि मैं 550 की ओर बढ़ाऊँगा कैपेक्स कर रहा हूँ, नहीं 500 की नहीं, पहले चलो मैं 550 की करूँगा ताकि मेरी 1000 पूरी हो जाएगी। दिस द कैपेक्स वॉज कॉल्ड SG3, फर्नेस का नंबर SG3। देन ही सेड आई एम गोइंग टू डू अ मोर कैपेक्स ऑफ SG4 विच इज गोइंग टू बी अनदर 1000। Then he said, I'll make it 1100. So, 450 + 500, फिर 50,000, 1000 + 1000 इक्वल टू 2000 प्लस 100 इक्वल टू 2100। तो 450 टन बनाने वाला 2-3 साल में 2100 टन बनाएगा
और डिमांड बढ़ रही है, तो कितना गुना सेल्स प्रॉफिट हो जाएंगे अगर मान लो सेम मार्जिन रहता है तो। अभी मैं आपको कह नहीं रहा कि अगर मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो मैं ज़्यादा माल खरीदूंगा, तो ज़्यादा माल खरीदूंगा तो मेरे कॉस्टिंग कम हो जाएगी, वो सब छोड़ो। तो 5 times स्टॉक बढ़ जाना चाहिए। देन वॉट ई डेड, यूरोप में एक फैक्ट्री थी अराउंड 260 या 400 टन्स पर एनम की, वो जाके भाई साहब ने खरीद ली। इसने खरीदा सेल का 5.5 गुना जो कि महंगा था, बट मिल रही थी कि मेरा एक प्लांट इंडिया में रहेगा, एक प्लांट मेरा यूरोप में रहेगा। और ट्विटर पे झकास फोटो आई थी सुबह, और इंडियन झंडा और साइड में यूरोप का झंडा, एंड इट वाज सो हैप्पी इंडियन कंपनी जाके वहाँ, और ये हो गया और वो हो गया, और ये यहाँ पे वो, यहाँ पे जो ब्रेकआउट था ना, यहाँ पे वो कहानी आई। अचानक क्या हुआ, ये भाई साहब की वो फैक्ट्री लेते एक हफ्ते के अंदर अंदर उसमें मेंटेनेंस आ गई यूरोप के प्लांट पर। इनको नहीं पता था। और ये बोले कि हम उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, एंड दैट इज देन द केम द स्टोरी दैट दैट वाज नॉट मेंटेनेबल, दैट वाज सम प्रॉब्लम इन दैट, देन दे सेड वी आर ट्राइंग इट सम अदर वे, देन दे वर एबल टू मेंटेन इट, एंड नाउ व्हाई दे आर पिकिंग अप मनी विद दिस राइस फॉर द प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 1000 टन्स कैपेसिटी। क्योंकि सोलर ग्लास के ऊपर अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है विच इज 25%। लेकिन इन सब के बीच हम लोग भी यहाँ इन्वेस्टेड थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। अचानक खाना खाते खाते रात को टीवी देखा तो प्रमोटर साहब टीवी पे आ गए, CNBC पे। अरे यार अपना ही प्रमोट, आप राजस्थान ही बोलते ना, आप ही से अपना ही प्रमोटर है। तो ही सेड समथिंग, वी आर नॉट द प्राइस सेटर्स, वी आर द प्राइस टेकर्स। मैंने कहा गई भैंस पानी में। एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने दे रखी थी, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी, गवर्नमेंट ने लगा दिया रोक, एंटी डंपिंग ड्यूटी रिवोक्ड। चाइना चाइना स्टार्ट, खेल खत्म। अब ये एक लाइन उस टाइम इंटरप्रेट होगी, उसके बाद आप अपनी जान लगा लो। सर ये एक सपोर्ट है। हाँ जी हेलो, फैक्ट्री काम थोड़ा बिजी। हाँ बोल दिया ना, नेक्स्ट वीक। हाँ बोल दिया, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ये सपोर्ट है और ये ब्रेकआउट है। कुछ चल रहा है क्या? डोंट ट्राई टू एम्फसाइज टू मच ऑन द प्रॉफिट्स, ट्राई टू नो द फैक्टर्स विच क्रिएट दोज प्रॉफिट्स। What are the factor? What are the thing which was helping this business? Anti-dumping duty. That is gone, this business is gone. Same way, Wari. What is helping? 25% sale duty and 40% module manufacturing duty. That is gone, Wari is gone. 40%? Module pay duty. Module pay. Aur 25 taka sale pay duty. Aur glass pay duty. To Wari to module hi bana raha hai. Agar wo ADD hat jaye, khatam Wari. फिर आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। फिर मुझे नहीं चाहिए। क्या हो गया? आपको फोन पे बताऊं? अच्छा चलो ठीक है, सब ठीक है ना, कोई चिंता की बात तो नहीं? बूढ़ी। क्या हो गया घर पे सब ठीक? मैं मौसी का मैं। अच्छा अच्छा ध्यान रखो, संभालो, आराम से जाना, ड्राइव सेफ, ड्राइव सेफ। हाँ हाँ ड्राइव सेफ। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है,
वो रीज़न इनवैलिडेट हो गया, खेल ख़त्म। तो रीज़न जब तक वैलिडेट चल रहा है तब तक बढ़िया है। तो सर इसमें जो फोकस होना चाहिए, मतलब जब अगर कोई भी बिजनेस है तो उसका जो मेजर कॉस्ट कंपोनेंट वाला है जो उसको इम्पेक्ट करेगा उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे से जो बड़े जनरेशन के लोग हैं ना, हमारे बाप दादा चाचा ताऊ जो भी हैं, वो सब समझते हैं। उनको टर्म नहीं पता होंगे पर वो समझते सब हैं। हम जो कुछ कहते हैं कि हम मेरे को छोड़ के, आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो कुछ नहीं समझते, सच बोल रहा हूँ। अपने पर मत लेना, इसका रीज़न क्या था, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज नॉट अ कॉस्ट। कर गया ना, कर गया ना। अभी हो क्या रहा है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक गवर्नमेंट ने एक चीज़ कर रखी है, ALMM, अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। इंडिया में अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है या कोई प्रोजेक्ट है, जहाँ भी मॉड्यूल जाएगा वो ALMM अप्रूव से जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ALMM को एक साल के लिए सब्सिडाइज कर रखा था। आज क्या तारीख है, 2024। ALMM आने में कितनी देर रहेगी, 50 दिन। तो उसके बाद तो जितने भी सरकारी काम होने वो ALMM से ही जाने। तो कौन है ALMM अप्रूव्ड? आप तो गए थे मीटिंग में, मेरे भी आप ही गए थे, प्रॉक्सी में गए थे आप। अगर ALMM आ गया तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सब खत्म, माल ही नहीं बिकेगा। कोई अप्रूवल नहीं, इतना बड़ा हो जाएगा, अप्रूव लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए तभी आप सेल कर सकते। और अगर ये चीज़ आ गई तो ये 2000 का वारी आपको 4000 में नहीं मिलना। तो ना वर्ज ऑफ, मतलब अगर गवर्नमेंट नहीं बढ़ाया जो शायद नहीं बढ़ाएगी, वो ALMM के थ्रू जाना पड़ेगा। और ये इज द ओनली वन हुज ALMM अप्रूव्ड इन द कंट्री ओनली, ओके। और मजे की बात क्या है कि नथिंग फॉर एनीबॉडी। अब मेरा लगा दो, क्योंकि मेरा जाने वाला चार्जर मेरा वो मेरा इसको लगा। टाइट है थोड़ा। मज़े की बात ये है कि टेक्नो फंडा में बहुत सारे दोस्त हैं, दीप भी मेरा दोस्त है, हालांकि कोई बात बस टेलीग्राम पे चैट होती रहती। तो मैं उसको कहता था, कहता सर ये तो फर्जी कंपनी। मैंने कहा एक नंबर फर्जी कंपनी है, ये तो डूबेगी। मैंने कहा बिल्कुल डूबेगी। तो मैंने कहा वाह, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, मैं तो दबा के लिया, 10x हो गया। अभी भी लोग कह रहे भेज दो, क्या करूँगा भेज के, चलने दो। ALMM आ गया, आपको ये 4000 में नहीं मिलना, रुकेगा ही नहीं। और वही हाल हो रहा है आपका वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। दो कंपनी लिस्टेड है वारी में, तीन दो लिस्टेड है, एक और आने वाली है, तीन हो जाएंगी। दो अभी हैं लिस्टेड, वो दूसरी बेकार है, उसमें कुछ नहीं। अगर वो हवा में, वो बेकार है वारी टेक्नोलॉजीज। ये जो अनलिस्टेड मार्केट में ये लिस्टेड है, कल लो सर्किट है इसमें, फिर छोड़ो ना लो सर्किट लगा दो बजे आता इस स्टॉक ट्रैक पे डाल रखा है। ये ईपीसी प्लेयर है, लगाने का मतलब ये जो है लगा करके अपने वो बनाएगा और ये लगाएगा, प्रमोटर दोनों का सेम। वो फादर है क्या समय, और वो इसका 75% होल्ड करता है, ये उसकी सब्सिडरी है। अच्छा ये वो लिस्टेड नहीं है। अगर इसका मार्केट कैप 3 दिन पहले 10,000 था, आज जो भी है, तो 10,000 का 75% 7,500 करोड़ उसकी वैल्यू बनती इसकी वजह से। उसका मार्केट कैप जो अगर IPO की 2000 की बात करें तो 50,000 करोड़, 50,000 में से 7,500 निकालो कितना रह गया, 42,500 रह गया। 42,500 करोड़ में उसका जो प्रॉफिट है इस अराउंड 1400 करोड़। तो 42,500 डिवाइड बाई 1400 कर लो, आपको प्राइस टू अर्निंग आ जाएगा।
30 30 है ना। अब जितनी भी सोलर कंपनीज हैं पर सर अभी तो उसका मतलब जैसे 90 कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब अब आप करंट अर्निंग्स के हिसाब से कह रहे हो। मैं वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ ना, मैं इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ ना उसमें से। अच्छा 90 दिखा रहा है कि वो ठीक है, वो पुरानी अर्निंग्स में, मैं फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ। अब जितनी भी सोलर कंपनीज हैं वो 70-80-90 से कम तो चल नहीं रही। एंड दिस गाय इज अ बिग पॉन्ड एंड द बिगेस्ट फिश इन द बिग पॉन्ड, सो इफ द सेक्टर इज ग्रोइंग वी विल ग्रो द फास्टेस्ट। ₹200 पे भी महंगा था, ₹500 पे भी महंगा था, ₹900 पे भी महंगा था, ₹1000 पे भी महंगा था, ₹1500 पे भी महंगा था, ₹2000 पे भी महंगा है। वो महंगा ही चला रहा है। प्रॉब्लम ये है आईपीओ अप्लाई करेंगे तो मिलेगा नहीं, आईपीओ कभी खुलता ही नहीं, आता ही नहीं, और नहीं करोगे तो पता नहीं क्या प्राइस मिलेगा। और अगर अनलिस्टेड में लोगे तो 6 महीने के लॉक इन पे जाओगे, 6 महीने में गिर गया तो डर भी रहेगा। टाटा में ना 1400 का 1100 का ही गया जो सामने बैठा है उसको नीचे ही दिखा। कौन सा करंट टेक्नोलॉजी? करंट टेक्नोलॉजी बोलो। इधर में माल नहीं मिला, 60 में लेगी हिम्मत नहीं की, 32 में 60 में हो गया, अब 60 हो गया। मेरे तो 58 में लिया। मैं रिटेल आदमी बात करो जो हम जैसा। मैं भी रिटेल हूँ सर, मैं कौन सा कोई चैनल, मैं भी रिटेल हूँ सर, को नींद आ रही है। तीन घंटा इसलिए आप कल रात को कॉल में थे, मैंने कहा यार इनको तो ट्रैवल करना ही, कॉल में कैसे आ गए? तो बोला मैं एयरपोर्ट पे भी आपको दुखी कर रहा था। मैं करता नहीं क्या है एयरपोर्ट पे, तो बढ़िया काम करेंगे, हां कॉल आई, चलो तो होगा, चलो कुछ काम मिल गया। बोलो बारी सर, पर जैसे कि मार्केट्स भी स्ट्रेस्ड हो और साथ में स्टॉक भी थोड़ा अपना कोई इन्वेस्टमेंट जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको बेच के बाद नहीं लूंगा, ये अभी कितने चल, 2000 चल रहा है ये सर, लेने में प्राइस आया। हम वो पहले आप बोल रहे थे बेचने में प्राइस आता है, अभी लेने में प्राइस है। मैं भी अनलिस्टेड लिया नहीं, अभी डर सा लगता है मुझे। डरना चाहिए अगर नहीं लिया तो, अच्छी बात है, डरना जरूरी है। अपनी कैपेसिटी का करने का वो 50% कैपेसिटी पे चल रहा है डिमांड कितनी है सोलर की? फिर अभी जैसे ये लग जाएगा 31 मार्च के बाद में, तो फिर तो उसके बाद में उसी के पास ही आएंगे सारे ऑर्डर, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पर अगर अनलिस्टेड कैपेसिटी में 15,000 करोड़ की सेल कर रहा है 50% पर, तो फुल कैपेसिटी में 28-30 हज़ार करोड़ की सेल तो करेगा। 5-7% भी कम पैसा कमा रहा है तो 28-30 हज़ार करोड़ की सेल पे 7% या 6% कितना हो गया सर? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ही बताओ सर। अभी प्रॉफिट कितना है? 1400 करोड़। तो अभी मार्केट कैप कितनी आ रही है? 45,000 करोड़। 45 में से 5-7 हज़ार करोड़ ये निकाल दो, 40 ही पकड़ो, 40 / 2100 20। सो कंपनी विच इज एक्सप्लोडिंग लाइक एनीथिंग इज अवेलेबल एट 20 times 1 year फॉरवर्ड।
सर मैं खाली मतलब मैंने ऑर्डर तो साथ में मैंने भी बात करी थी अकेशन से, बट मैंने परचेज इसलिए नहीं किया, मेरे को पे का थोड़ा मतलब खाली अब आप जैसे फॉरवर्ड पे समझा रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ अभी भी वो ठीक है। आपके सिस्टम ने शायद किया, उसने करा मुझे नहीं पता, मुझे पूछो पूछो उनके शेयर आए कि नहीं आए, डीमैट में आए कि नहीं आए। सर सुनील जी के तो आ गए, हाँ। सुनील जी तो लिख रहे हैं कि मेरा डीमैट में ग्रेट हो गया। दो हजार शेयर नहीं, अठारह सौ का क्वांटिटी 1800-2000 शेयर लेंगे। क्वांटिटी तो मिनिमम आप 1500 से बोलिए। मुझे एक बात बोलो, कितना राउंड होता है इसमें? मिनिमम 50 या 100 का होता। अच्छा मुझे एक बात बोलो, आप लोगों को पता था वो बंदा कौन है जो देने वाला पहले? सर मेरी बात सर बाय द वे पर नंबर सेव था सर, मैंने ये मतलब कोविड के टाइम ट्राई किया था लिस्टेड, तो नीलेश था पहले ये सेम नंबर पे एकदम। हां नीलेश था, हां तो नीलेश से मेरी बात होती थी। सो आपने जब नंबर सेव शेयर किया तो आई ट्राइड द सेम नंबर, तो फिर वो ईसेट की नीलेश छोड़ चुका आकर से, तब मैं हैंडल कर रहा। कितनों को पता था आपके अलावा? अगर मैं 2000 शेयर 1800 पे लेके आपको 2000 में आगे उतार देता, बीच का डिफरेंस खा जाता, तो आपको क्या पता लगता? 2000 × 200 कितना हो गया? सो आई लॉस्ट 4 लाख रुपीज प्रॉफिट, वेरी सैड। नहीं चाहिए ऐसी चीज़, चाहिए ही नहीं लाइफ। Be alone, be happy. Yes. थक गए? नहीं थकान होगी, लग रहा है आपको देख के थक रहा है। नहीं आप तो ठीक हो से लग रहे हो, ये थक गए लग रहा है, नींद आ रही है। हे भगवान, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? 200 मेरे को तो 1.5 साल से ऊपर हो गया। अकाउंट कैसे आया था लिस्टेड मतलब तुम लोगों को? आगे ना आगे ना इस ऑप्शन से। मैं तो कंपनी से डायरेक्ट लिया था ना, कंपनी का जब राउंड हो रहा था तो कंपनी से लिया था। नहीं जो ये आगे वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है 50 वाला या 100 वाला चीज, लिस्टेड के ब्रोकर्स होते हैं जो करते हैं। अब ये क्या ना ब्रोकर ने किया, सबको दे दिया माल, सबने पैसा डाला, सबको माल आ गया। अपना पोर्टफोलियो बड़ा होना चाहिए। मेरे घर को तो आपस में वैसे मेरे डब्बा ट्रेडिंग टाइप होती है, भाग जाते हैं लोग, भाग जाते हैं। डब्बा ट्रेडिंग तो कैसे होगी? नहीं वैसे होगी ना सर, मान लो कोई लिस्टेड था पर किसी को वॉच में फंस गया, मैं बताऊंगा उसको पकड़ेगा पैसे। एसजी सिक्योरिटीज के मेरे पास इन शॉप्स, हमको पहला मिला था ट्रेंच 2008 में, पहले ही मॉर्गन चेस एचडीएफसी बैंक लिमिटेड तीनों का एक जॉइंट वेंचर था सिक्योरिटीज। तो 2008 में जब क्राइसिस हुआ तो मॉर्गन चेस ने पैसा उठाने के लिए बोला, पैसा कहाँ से आता, कंपनी गंगी बच्ची की 40 करोड़ का घटा रहा, तो उन्होंने इस शॉप्स के थ्रू पैसा इकट्ठा शुरू कर दिया। तो पहला लॉट आया था 111 रुपये के, मेरे कंट्री ने बोला, मैं ध्यान से उदयपुर में था और एक गौरव उन्होंने कहा सर ये आया लेटर क्या है इस शॉप्स, तब तक मुझे कुछ था ही नहीं पता क्या होता है इस दुनिया में, बोले ले ले 750 शेयर मिलेंगे। मैंने कहा सर आप भेजेंगे कितने, पहला क्वेश्चन ये, बोले पहले डीमेट में आएगा तो बेचेगा, मैं डीम लेने की कोशिश कर दूँ, बाद में बेचने की सोचना। सर कब तक आएंगे? तो वो 30-40 का रेश होता था, 3 साल में जाके ई शॉप में वेस्टिंग होती है। अगले साल वही जो प्राइस आया वो है 143। तो बढ़ने को तो 30 रुपये बढ़ लेकिन परसेंटेज तो हमको लगा तब चीज़ें महंगा दे दी कंपनी। फिर नेक्स्ट ईयर 145 में आया, एक 2008-09 में आया, 11 में HDFC बैंक का बाय बैक ऑफर आया 555 प्राइस बाटा वाला, अपने आप देखा था तो मैंने कहा बेचो इसको। तो मेरे सीनियर रोक दिया मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, बोला अगर बेचना नहीं तो तेरे दो बेटे हैं ना, ये तेरा तीसरा बेटा बनेगा उसको बेचना। मैंने एनुअल जैसे बताएगा सारा अभी तक बायर को मिल नहीं रहा, उससे मैं लिस्ट बड़ा बहुत छोटा मार्केट हुआ करता था, मैंने कहा ले लिया अपनी बायर लेकिन मैंने 750 शेयर आए थे स्टार्टिंग में, तो मैंने 300 शेयर बेच दिए, 450 इससे रख लिए मैंने कि मैंने कहा कभी इनकी बैंड हो जाएगी नौकरी छोड़ने के बाद इनकी बैंड हो जाएंगे जेम में जाकर और कुछ नहीं। सर वो शेयर बढ़ते बढ़ते 19,000 रुपये कोट हुआ
19,000 अब देखो नीचे आ गए 10,000 के आसपास। कैश फ्री मॉडल है, ऐसा लोगों को जरूरत नहीं पैसे। तो सोचिए कितना बड़ा 12 और 24 12 साल के अंदर कितना गुना पैसा हो जाता अगर वो फिट हो। तो कन्विक्शन जैसे अपना इक्विटी में सर बताया ना कि आप कन्विक्शन से जाओ अगर पूरा स्टडी करके, तो अगर आप अनलिस्टेड में भी जाओ स्टडी करके, अगर आपके पास वो सोर्सेज हैं पता करने के, जनरली ईसॉप वाले माल बेचते हैं और कोई नहीं बेचता। अभी रिलायंस ने बदमाशी की रिटेल ने लग गया फटका, मतलब सुना कर ही रहा सब टर्म कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग सर उठाई लिया माल बिना कुछ कहे डीमैट से। ये जो आपने टर्म सुना ना इसमें दबा के पैसे बनते हैं, इसमें दबा के पैसे बनते हैं। कैसे सीखना पड़ेगा सर, समय लगेगा। और अगर आपको वो है इंक्लिनेशन है सीखने की तरफ, खैर ये कंपनी मेरे को मौका लगा तो मैं अभी जयपुर वैभव ग्लोबल आपके रिजल्ट सुपर स्टॉक पर नीचे आप समझ में नहीं है मेरे पास भी है वैभव ग्लोबल मैंने लिखा था टेक्नो फंडा में, मैंने फोटो डाली टेक्नो फंडा में जान करके। मैं तो जयपुर से 3:30 बजे भाग भी कहता हूँ, निकल गया शाम को घर आ जाऊँगा वापस। मार्जिन अच्छा, सेल अच्छा, प्रॉफिट अच्छा, स्टॉक पर देता हूँ $25 से $45 बस सर आप जाके आए थे तो 6-7 दिन तो रॉकेट बन गए थे, तो मुझे कह रहे थे ना मैं बेचा है ना जयपुर आ जाने का खर्चा नहीं करना पता नहीं मैंने कहा सर आगे कितनी बार का कितनी बार का खर्चा निकाल सर अगर आप बोलो तो जिंदगी भर 3-4 हज़ार रुपये का डीजल, 3,000 का डील लगता है ऐसे जयपुर जाके आने में मुश्किल से 3 या 4 हज़ार रुपये, तो एटलीस्ट उसका 10x तो होना चाहिए। तो अब ऐसे 30-40 हज़ार मान लो अगर 10x हो गया, अब सर मैं आलसी हूँ, वेट भी ज़्यादा है थोड़ा 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 मैं हाँ गाड़ी चला के गया थक गया सर करने में, तो उसका भी 10x होना चाहिए। अब आगे की स्टोरी और क्या बताऊँ तो मार्केट दे देता सर, ब्रेड बटर दे देता, दाल रोटी खा लेते हैं रुखी सुखी, इसलिए तो आप लोगों को बोलते नहीं कि मुझे कोई दाल रोटी चाहिए, मैं मिल जाती है मार्केट से अपने आप, थोड़ा बहुत ट्रेड में मिल जाती है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग मिल जाता है, कि छोटा मोटा काम ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो सर एक सवाल पूछूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन? आप सुन चुके हैं इसलिए आपको पता है, रिच पर्सन इज नॉट अ फैट वॉलेट। रिच पर्सन वी ऑल हैव 24 आवर्स इन अ डे, किसी के पास 24 घंटा एक मिनट नहीं होता। हाउ डू यूटिलाइज दैट, हाउ डू यू यूटिलाइज दैट, दैट इज विल डिटरमाइन योर फ्यूचर एंड मे बी योर नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर। तो बफेट सेज देयर इज नो रिटायरमेंट एज एट बख्शर, वी स्टार्ट एट 60 ईयर्स ऑफ एज, हमारे में से कोई भी 60 साल के नहीं है यहाँ पर अभी, करेक्ट। एंड उसने क्या करा कि उसके दो सेपे सलाह रहे हैं, जो उसने अभी चाली मंगल तो मर गया अभी, और उसने वो रखा है कि उनको 2-2 बिलियन 5-5 बिलियन दिए हैं मैनेज करने के लिए, वो अपना मैनेज कर रहे हैं। एंड ही सेड देयर वुड बी टू पीपल व्हेन आई लीव, देयर वुड बी टू पीपल ओनली मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ बख्शर, जो एक ऑपरेशन साइड देखेगा एक इन्वेस्टमेंट साइड देखेगा। तो अब कौन होगा पता नहीं, वो तो सब ब्लाइंड है उसका। जो उसका एक बंदा है, उसका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि उसका डेली शेड्यूल क्या है, आपको सिर पकड़ लोगे आप सुनोगे तो। वो बंदा 6 बजे उठता है, 9 बजे ऑफिस जाता है, 6 से 7:30 वो बैठ के पढ़ता है घर में, 9 बजे ऑफिस चला जाता है, गाड़ी में कॉन कॉल सुन रहा होता है ऑडियो
कौन कौन ये वो 9:30 बजे ऑफिस पहुंचता है, उसकी सेक्रेटरी उसके ऑफिस आने से पहले उसके पाइल ऑफ व्यक्ति के प्रिंटआउट्स आपको न्यूज़पेपर दे, बस क्या पढ़ने हैं। ही रीड्स 1000 पेजेस अ डे फ्रॉम मॉर्निंग 9:30 टिल इवनिंग 7 o'clock, एंड दिस इज एवरी डे चल। इवनिंग 7 बजे वो ऑफिस से निकलता है, घर आता है 8 बजे, टेक्स ही फैमिली आउट फॉर अ राइड एंड ही कम्स बैक 9:30, हैव हिज डिनर एंड 10 बजे वो बैठता है, फिर 11 बजे तक पढ़ता है, फिर 11 बजे सो जाता है। एंड वंस अ वीक ही यूजेज द फोन विच इज सैटरडे और संडे, उसके अलावा ना उसको वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो टेलीग्राम पे नहीं है, वो ट्विटर पे नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। फैमिली कैसे मैनेज कर दिया, फैमिली को पैसे ही इतने, फैमिली को फुर्सत ही नहीं, फैमिली अपना घूम फिर रही है। हाँ, फैमिली का काम सैटरडे संडे वो लोग काम नहीं करते, करते हैं ना। मैंने कहा सैटरडे संडे को वो फोन यूज करते हैं, मैंने काम की बात नहीं करी। नहीं, वही बता रहा हूँ, वो लोग फैमिली कैसे मैनेज कर रहे हैं। ही रीड ही रीड्स अराउंड 25 न्यूज़पेपर्स अ डे, उसका जॉब ही है ना, उसको पैसे की बात। एक्चुअली वो भी है कि जॉब भी है उनका, लेकिन फिर भी 1000 पेजेस अ डे बहुत, तो वो जो बड़ी बात पढ़ रहा है, जो छांट के दिया जा रहा है, वो मतलब वो को डिसाइड किया जी ही सेक्रेटरी बना देती है। ये न्यूज़पेपर्स हैं, ये एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ये बुक्स हैं, सब उसको चाहिए। वो एक टाइम पे 4 किताबें पढ़ता है। बाप रे, तो मैंने इनको करके दी एक किताब, वो इंटेलिजेंट फैनेटिक्स। मेरे को अगले दिन कहीं बाहर चाहे जयपुर ही जाना था, उसके पहले 3 घंटे में 3.5 घंटे में किताब खत्म करके गया, पूरा इनको लिख के गया टेलीग्राम पर, ये चैप्टर में ये चीज़ है। अगले दिन जयपुर जाना था मेरे को, बीवी बोली सो जाओ नहीं तो कल गाड़ी चलानी है। ग्रेस्पिंग किससे होता है, मतलब जो भी हम मतलब पढ़ना एक अलग बात है, ग्रेस्पिंग भी होनी चाहिए ना उसकी, वो रिटेन भी रहे दिमाग में उसको, हाँ रिटेन रहे दिमाग में, इंटरप्रेटर रिटेन। मैं तो आपका आपका भी दिखता हूँ वो नंबर्स का, आपका इतना कमांड है जो मतलब एकदम सारा याद रहता है कि इतना कैपेसिटी हुआ इस कंपनी में, ऐसा हुआ वो आदत होगी सर, आदत होगी क्योंकि डिग्री नहीं ली ना, वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न एंड लर्न। डिग्री ले लेता तो शायद आदत नहीं होती, पकड़ वैसी आ गई सर को कि हां वही देखते ही समझ जाते हैं कि किसी से पूछा गया कि आप 30 सेकंड्स में ये चीज कैसे कर लेते हो, तो ही सेड कि इट टुक मी 30 इयर्स टू रीच अ स्टेज वेयर आई कैन डू इट। मैं बताऊं ये कौन है, मुझे पता है ये जो आप बोल रहे हो ना। अरे यार पूछता रहा ना, वो बेन जॉनसन नहीं, कल्लू जो भागता है, जो बोल्ट, उसेन बोल्ट। आई ट्रेन 30 इयर्स टू रन दिस 30 इयर्स 30 सेकंड रन टू विन दिस 30 इयर्स, उसने करी उसेन बोल्ट, ये उसने बोला। उसेन बोल्ट भी ना एक सिंगर का भी था यार, वो मतलब उसेन बोल्ट ने भी बोला, उसने तो 10 सेकंड का बोला कि 10 सेकंड का ये जो उसके लिए थे। अब ये कंपनी है साहब राजेश एक्सपोर्ट्स, हाँ जी सर, 10,000 करोड़ मार्केट कैप, वाओ। समझ नहीं आ रहा मुझे इसका भी, समझ नहीं आ रहा, कर्जा ही नहीं है, 5,000 करोड़ का कर्जा, 600 करोड़ रह गया और 3,000 करोड़ का जो वो है बुक वैल्यू, 15,000 करोड़ हो गया। उल्टा हो गया ना सीन, शेयर डाइल्यूट नहीं करा, सेल्स बढ़ गई, 3,00,000 करोड़ सेल्स, जीरो नहीं, वो कुछ पॉइंट्स में होगा तो वो जीरो। और सर 10,000 करोड़ मार्केट कैप है, स्टॉक प्राइस तो गिरता जा रहा है, ये तो 900 रुपये 2 बार गया। अरे ये टेक्नो फंडा का रिकॉर्ड ले बनाते पहले को ऊपर जाके रीटेस्ट, और कब बना कब टूट गया ऊपर जाके हैंडल से, और ये 300-350 का भाव आ गया, 10,000 करोड़ मार्केट कैप, बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ा अच्छा स्ट्रांग बैलेंस शीट है, कैश फ्लो ठीक है, थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, आगे पीछे थोड़े बहुत हो जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई कुछ खास बात नहीं है। 12,000, 15,000, 14,000 करोड़ का कैश है, कैश इक्विवेलेंट, मार्केट कैप से ज़्यादा तो कैश पड़ा है,
वो अब गायब हो गया सर, इसे ट्रेड रिसीवेबल देखो ना। अरे 11,000 में से आधे भी आएंगे तो भी मार्केट कैप कवर हो जाएगी। अदर लायबिलिटीज क्या है? एडवांसेस वांसेस होंगे कुछ, वो भी तो देखना। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, पेबल्स कुछ देना होगा। तीन जगह का पेबल देना है, पर सामने देखो ना किसी में तो ज्यादा करोगे क्या जाओ इतना कोई तो भी 8,000 करोड़ का दिवस नहीं है है। ये जो कैश है ना ये फर्जी है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। ये फर्जी कार्ड कैश करा रहा है, बिल्स कट रहा है। कैश है ही नहीं, रिसीवेबल्स है ना कि मतलब फ्यूचर में, वो अलग चीज़ है। वो तो जो माल बेचा वो, वो जो माल बेचा वो रिसीवेबल्स है, कैश ये है ही नहीं। कैसे प्रॉफिट पर कभी होए नहीं, कैसे 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 कैश फर्जी है, कैश तो भी आए नहीं, कैश फर्जी है, बताओ कैसे। देखो ऑपरेशन एक्टिविटी अदर डब्ल्यूसी आइटम्स कैश फर्जी है। चलो कोई भी कैश पकड़ लो, जो भी आपको वैल्यू पसंद आ रही है कोई सा भी पकड़ लो। कितना ये वाला जी? कौन से बैंक में अकाउंट है सर आपका? कितना पैसा देता है कैश में? एफडी को मारो बोली 4% 5% 4% तो दे ही देता है। 14,000 करोड़ का 4% कितना होता है? 2018 में अदर इनकम कितनी है? 60 करोड़। 500 करोड़ कहाँ गया? ये बोल रहा है मैं करंट अकाउंट में पैसे रखता हूँ। करंट में भी ब्याज मिलता है? करंट में ब्याज मिलता है ना। अच्छा कहाँ मिलता है? अच्छा बासठ तो आ रहा है अदर इनकम में, बाकी तो इंटरेस्ट जो पीए पेएबल है। अदर इनकम में तो कमाई तो इनकम आएगी। वो ठीक है, वो उसका सेल्स है, तो ये एफडी पे ऐसा है क्या? एफडी या कैश व्हाटएवर इस पे ऐसा है क्या? इस पे लियन है, लियन प्लेज है बैंक में, और ये लियन पे इसने एफडी ओडी करा रखी है। गिरवी रखी, गिरवी और उससे ये चला रहा है अपने दुकानदारी। ठीक है, और ये जो बोरिंग्स है ना, एक्चुअली बोरिंग ज्यादा है, उतना पैसा 10-12,000 करोड़ एफडी ओडी पे उठा रखा है। तो अगर 14,000 में 80% भी लियन मिल रहा है तो 12,000 करोड़ का लोन हो गया। 12,000 करोड़ पे अगर 9% भी हुआ, कितना हुआ इंटरेस्ट कॉस्ट? सो नॉट 9%, एफडी के ऊपर 1% करना। तो 12,000 का 1% कितना हुआ? 120 करोड़ हो गया। और यहाँ मेरा कर्जा कितना 2017 में? इट इज़ अराउंड 5,500 करोड़। 5,500 करोड़ पे 9% कितना हो गया? 450 करोड़। 450 और 120
560 570 ये आ गया 2000, तो भी इसका 430 ही आ रहा है। यहाँ भी लफड़ा है, कितनी देर लगती है नंबर्स को पकड़ने में, देखने में कि कुछ ना कुछ पंगा है। चार्ट मारो गोली, बाद में देखेंगे। ठीक है, एंड तो एक बारी गाइडेंस थी, मतलब बहुत पहले मैंने पढ़ा था, तो ही वाज मतलब ही सेड ही वांटेड टू ओपन ज्वेलरी गेम के कोई 50-60 शोरूम्स है साउथ में, एंड ही सेड कि आई विल गो टू 3500 शोरूम्स अक्रॉस द वर्ल्ड ज्वेलरी के शोरूम्स 3500। हां ये तो मैंने कभी ट्रैक करा नहीं भाई, तेरी बार अलग है स्मूथ कुछ भी मत कर लिया सर चोर है भी तो वो आप पता चला आपको चोर बनने के बाद पहले कब बना ये चोर? जनवरी 18 का डेटा तो Q3 का डेटा आया होगा, Q4 का तो आया नहीं होगा तब तक। तो ये इसके नंबर्स हैं, ये शीट है 2018 का गया यहाँ। अभी 18 का छोड़ दो, 17 का ले लो, नेट प्रॉफिट 400 करोड़, 390 है, 370 है, 356, कितना नेट प्रॉफिट आया क्यूमुलेटिव 1553। मैंने 4 साल के नेट प्रॉफिट को ऐड कर लिया 14 से 17। अगर मैं ये 4 साल के कैश फ्लो को जाता हूँ 14 से 17, 357, 1550 करोड़ के प्रॉफिट में 300 करोड़ ही कैश है, बाकी कहाँ है भाई। और स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था, तो चोर है वो तो बाद में पता चला कि जब चोरी करी पकड़ा गया, लेकिन पहले भी तो एक गड़बड़ थी। पर पहले क्या फ़र्क पड़ता है फंडामेंटल को, जब मैंने ये टेक्नो फंडामेंटल कहा था ना गोदरेज प्रॉपर्टी का, तो वो दी बोला सर क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट चल रहा है ना, मैं ले ले भाई तू ले ले भाई। So when the cash flows are not matching your profits, cumulative profits, you're dead. जिंदा कैसे रहोगे? देखिए सर कैश फ्लो में जो बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन भी उसमें आएगा। तो ज्यादा होना चाहिए ना? और ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होना चाहिए तो और वो तो बिल्कुल खत्म हो गए। डेप्रिसिएशन का आएगा डेप्रिसिएशन। कोई से बिजनेस में वो तो ऐड होगा कभी भी। हां मतलब वो भी वैसे ऐड होएगा पर उसमें आएगा डेप्रिसिएशन। चलो लेट्स सी द